चौधरी जी की ओर से थी, हम उनके आभारी हैं प्रस्तुति के लिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सांसद श्रीमती सुमित्रा ताई महाजन हमारे बीच यहाँ पधार चुकी हैं। ताई, आपकी इजाज़त लिए अगर हमने समय पर कार्यक्रम शुरू कर दिया था कि संगीत का काम तो चलना ही चाहिए। मैं शोभा जी से निवेदन करूँगा ताई का हम सब की ओर, और ताई से कहूँगा कि हमारे समस्त कलाकारों के लिए 3 दिन के समारोह के लिए, जब तक हमारे कलाकार भी यहाँ मंच पर विराजित होंगे, 2 शब्द आप शुभकामना के कह दीजिए। अच्छा, ताई का कहना है कि संगीत के मजमे में नहीं बोलना ही ठीक है, तो आइए फिर हम कुबेरनाथ जी को बुला लेते हैं। पंडित कुबेरनाथ जी मिश्र को बुला लीजिए। आपकी निमंत्रण पत्र पर आपकी नज़र गई होगी या समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, कल की प्रस्तुति में पंडित देवाशीष डे अस्वस्थता के कारण कल नहीं आ पा रहे हैं, और उनके स्थान पर हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश के युवा गायक श्री भुवनेश कोमकली ने इजाज़त दी है, और कल वो यहाँ समारोह में होंगे, और एक लंबे अंतराल के बाद में हम भुवनेश भाई को इंदौर में सुनेंगे। तो मैं अगले कलाकार पंडित कुबेरनाथ जी मिश्र हैं, एकल तबला प्रस्तुति होगी, और उसके बाद में आज कार्यक्रम के समापन सत्र में हम देश के जाने माने युवा गायक श्री जयतीर्थ मेहुंडी का गायन सुनेंगे। पंडित जी के सुशिष्य और उनके सुपुत्र भाई सिद्धांत मिश्र भी वाराणसी से इंदौर में पहली बार अपनी हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पधारे हैं, उनका भी स्वागत। बैठे हैं और वहाँ पर भी बाबा विश्वनाथ विराजित हैं, माँ अहिल्या की बड़ी एक श्रद्धा रही है वाराणसी और काशी विश्वनाथ के साथ, और जब जब भी वाराणसी की बात आती है और हम सारे पुराने कलाकारों को याद करते हैं तो अपने आप बनारसी बाज और तबले का स्मरण हमारे मन में आ जाता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पंडित कुबेरनाथ मिश्र एक बहुत लंबे समय से देश विदेश के कई मंचों पर अपनी एकल और सांगीतिक संगति प्रस्तुति दे चुके हैं, और देश के जाने माने कलाकारों के साथ संगति का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है। वे पंडित पशुपतिनाथ मिश्र के सुपुत्र हैं, जो कि जाने माने गायक रहे हैं अपने ज़माने में, और उन्होंने कालांतर में पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी से भी शास्त्रीय गायन पहले सीखा, लेकिन बाद में वो तबले की तरफ आकर्षित हुए, और एक ऐसा नाम जिसको सुनकर अभिनव कला समाज के सभागार में हम सब बैठे संगीत प्रेमियों का एक हाथ से दूसरे हाथ पर अपने आप नाम चला जाता है। बहुत आदरणीय पंडित सामता प्रसाद जी से उनको सीखने का मौका मिला है, और आज वही बनारसी रंग हमको तबले पर सुनने को और यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। तो कार्यक्रम में आमद ले रहे हैं, आइए करतल ध्वनि से हम पूरे मंच का स्वागत करें। आप सभी गुणी सुधी श्रोताओं को मेरा और मेरे भाई फारूक भाई बेटा सिद्धांत, हम सब तीनों बच्चों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहा हूँ कि ऐसे पवित्र स्थान में मुझे हाजिरी लगाने का जो अवसर
हमारी दीदी शोभा जी ने दिया है, उमेश भैया ने हमको याद किया, तो जो भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर गलतियाँ हों तो मुझे क्षमा कीजिएगा, अच्छा है वो ईश्वर का है, गलती जो होगा वो मेरा अपना है। नमस्कार।
आला तबले में।